Hello students, today we are going to start the numerical portions that is based on the combination of resistances. कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था अरेंजमेंट एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज. मीन्स आपको कल दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन मैंने डिस्कस किए थे, एक था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या था पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम एंड टू एंड रेजिस्टेंसेज को या आप रजिस्टर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्हीं का रजिस्टेंस होता है, उनको हम कंबाइन करते हैं. और पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं रेजिस्टेंसेस को या रेजिस्टर्स को. तो मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे. पहला मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं. इन द सीरीज अरेंजमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या था बच्चे, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है वो जितनी बार आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो. दूसरा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू. अगर दो ही रेजिस्टेंस है देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू. अगर हमारे पास थ्री रेजिस्टेंसेज है then we use the same formula 1 upon R1 and so on. Is it clear? So these are the formula which used in the numericals. जो भी resistances के numericals है उसमें use होंगे. अब मैं आपको कुछ points बता रहा हूं जो बहुत important है और दूसरा MCQs question पूछे जाते हैं बेटा इसके अंदर. पहला है what kind of arrangement should we use इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम करंट, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि हम कौन सा अरेंजमेंट यूज करें इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम करंट. देखिए आपको सिर्फ अरेंजमेंट बताना है कि कौन सा सीरीज या पैरेलल कौन सा ऑप्टेन करना है. हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको पता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस किससे ऑप्टेन होता है, सीरीज से. सो इन दिस केस वी शुड यूज द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम करंट. अगर हमें करंट कम ऑप्टेन करना है और रेजिस्टेंस ज्यादा ऑप्टेन करना है देन वी ऑलवेज यूज द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंसेस. अब इसके सेकंड पार्ट मींस इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम करंट एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, अब इसके लिए हम कौन सा अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम करंट कब होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा. तो मिनिमम रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है बच्चे, इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट. पैरेलल अरेंजमेंट में हमें जो करंट है वो मैक्सिमम मिलता है. हम कितना भी करंट ऑब्टेन कर सकते हैं वो डिपेंड करते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है इंडिविजुअल. दूसरा मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा अरेंजमेंट यूज करते हैं, पैरेलल. सो फॉर द डोमेस्टिक पर्पस We should always use the parallel arrangement क्योंकि हमें maximum current means resistance की values पर depend करता है. ठीक है जी, अब बात करता हूं मैं numericals में जो point आपको याद रखने हैं. अगर question हमारे को given है series combination पर base, तो याद रखना बच्चे उसमें current की जो value है current is same in every resistances. हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, लगभग सेम होगी. कौन से अरेंजमेंट में, सीरीज में. बट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी डिफरेंट.
वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट, क्योंकि वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। इसमें रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। क्लियर हुआ? तो करंट की वैल्यू सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी इन केस ऑफ सीरीज। और इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें, पैरेलल अरेंजमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन एवरी रजिस्टर्स। हर रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी, बट द वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट। करंट की वैल्यू क्या होगी उसमें? डिफरेंट होगी। क्लियर? चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, जो किस पर बेस होंगे? हमारे अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर। देखिए जी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, एक हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको कितने ओम की रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन किया गया बच्चे? 4 ओम। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम, दोनों को सीरीज में कंबाइन किया गया है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के कॉम्बिनेशन में वो कितने का है जी? एक ही है इसके अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 20 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। हमें पहला तो क्या निकालना है इसके अंदर? करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई जो हमारा डायग्राम है ये शो कर रहा है सीरीज अरेंजमेंट को। किसको शो कर रहा है? सीरीज अरेंजमेंट को हमारा डायग्राम शो कर रहा है। सो इन दिस केस वी शुड यूज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहले आप वैल्यू नोट कीजिए जो आपको गिवन है। R1 ये गिवन है आपको 6 ओम और R2 गिवन है बच्चे 4 ओम। पहले मैं निकालूंगा ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा फॉर्मूला सीरीज में, तो R1 प्लस R2, सो 6 प्लस 4 कितना आ गया बेटा? 10 ओम। 10 ओम इज द रेजिस्टेंस इस केस के अंदर। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? करंट। तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन आर। वी की वैल्यू कितनी है आपको? 20 जो गिवन है हमारे को क्वेश्चन में। आर कितना निकला हमारा? टोटल 10। तो कितना आ गया? 2 एम्पियर का करंट। कितना करंट आ गया? 2 एम्पियर। मीन्स R1 में भी 2 जाएगा और R2 में भी 2 जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था सीरीज अरेंजमेंट में करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चे? सेम होती है। सेकंड हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मान सकते हैं आप यहां V1 और इसको V2, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं सीरीज में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम? V = IR। क्या यूज करते हैं? V = IR। अब यहां पर जो हमें रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है जी? 6 ओम। भाई किस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस? 6 ओम के। और करंट की वैल्यू सेम है सब में, तो करंट कितना आ गया हमारे पास? इसको एक तरह से V1 कंसीडर कर सकते हैं हम। तो I हमारे पास 2, R1 कितना आ गया बच्चे? 10। देन द सॉरी R1 मेरे को दे रखा है यहां पर 6। देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। ये जो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ये किसके अकॉर्डिंग है? मींस किसके अक्रॉस है? कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस है? R1 के अक्रॉस। R1 पोटेंशियल 12 है। एक और छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, भाई आपको टोटल V कितना दे रखा है बच्चे? 20 वोल्ट। आपके पास V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 वोल्ट। आपको बताना है V2 कितना होगा। तो हमने पहले पढ़ा था भाई V1 = क्या होता है? V = V1 + V2। भाई जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। ये दे दिया आपको 20, V1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 12, और ये V2। तो आपके पास V2 कितना आ गया? 20 - 8 वोल्ट। तो V 12 और 8, टोटल कितना पोटेंशियल बैठ गया हमारे पास? 20 वोल्ट। ये ध्यान रखना है
कि किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमसे वैल्यू पूछी गई है। अब यहां पर 6 ओम बोला है या बोल दे आर वन या आर टू, तो उसी को लेना है आपको सीरीज के अंदर, दोनों को टोटल रेजिस्टेंस यूज नहीं करना हमारे को, जिसके अक्रॉस पूछ रहा है सिर्फ वो यूज कर। क्लियर हुआ? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं दिस इज कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, और आप इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना आपके लिए बेटर है। जब इसके जो मैं आपको नोट्स दूंगा, असाइनमेंट आपको मिलेंगे आज, ध्यान रखना उसमें मैंने सीरीज और पैरेलल के डायग्राम्स बना रखे सेपरेट सेपरेट, कि एक तरफ सारे डायग्राम सीरीज के, कि उनमें से कोई सा भी डायग्राम आ जाए तो आपको सीरीज का फॉर्मूला यूज करना है। जो पैरेलल के डायग्राम है उनमें से कोई सा भी डायग्राम आ जाए तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देखिए बच्चे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट अलोंग शो अलोंग साइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम इज 8 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 8 वोल्ट और करंट पूछ रहा है 4 ओम रेजिस्टर में कितना होगा 3 ओम। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटली सीरीज बेस है, क्योंकि सीरीज का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहां पर, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। अब अगर पैरेलल का क्वेश्चन हमें मिलता है, देखिए ये डायग्राम है इसके अंदर क्वेश्चन में, एमीटर है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट और ये दे रखा है हमारे को पॉइंट के, ये दे रखा है हमें एल, आर वन की वैल्यू दे रखी है आपको 4 ओम, ये हमारे पास है आर टू जिसकी वैल्यू 12 ओम है, और आर थ्री कितना दे रखा है बेटा 24 ओम, आर थ्री इज इक्वल टू 24 ओम, दिस पॉइंट इज एम। ठीक है जी, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, दो चीज फाइंड आउट करनी, एक तो निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, और एक हमें इसके अंदर क्या करना है जी, करंट को फाइंड आउट करना है कि द रीडिंग ऑफ एमीटर। पहला केस हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे को 12 वोल्ट। फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड सेकेंड पॉइंट इज का रीडिंग ऑफ एमीटर कि एमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है। एमीटर में रीडिंग आने का मतलब है बेटा जी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करंट की, क्योंकि एमीटर किसको शॉर्ट आउट करता है, किसको मेजर करता है हमेशा, करंट को। तो आप पहले दो पार्ट देखिए, पहले हमें निकालना है इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो अब आपके पास केस बन गए यहां पर भाई, ये जो है R1 ये सेपरेट है, R2 और R3 दोनों किसके अंदर है बच्चे, पैरेलल के अंदर। तो पहले हम सोल्व करेंगे R2 और R3 को, उसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो और R1, अब वो किसमें बन जाएंगे फिर सीरीज के अंदर। देखिए पहले हेयर R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, So, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं आर टी से, वन अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। मैं सीधा फॉर्मूला लिख सकता हूं आर टी इज इक्वल टू में आर टू आर थ्री अपॉन में आर टू प्लस आर थ्री। आर टू की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें आपको 12 इंटू में 24 और ये 12 प्लस 24, इसको एसटी इधर 12 इंटू 24 अपॉन में ये कितना बन गया 36, 12 थ्री सा 36, 3 से कितने कट गई 8, कितना आ गया हमारे पास 8 ओम। अभी हमारे पास जो 8 ओम आया ये क्या है हमारे पास, ये आया है इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकले वो कितना आ गया 8 ओम। तो एक तरह से यहां पर लिख सकते हैं आप 8 ओम ये बन गया। अब ये दोनों R1 और ये R3 किसमें आ गए सीरीज में। नाउ
आर वन एंड आर पी आर इन सीरीज. सो टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर पी. आर वन कितना दे रखा आपको 4, ये कितना 8, कितना हो गया बेटा 12 ओम. कितना रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास टोटल, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12 ओम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट. अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है. तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है सीधा क्या होता है, वी अपॉन आर. वी कितना दे रखा है 12 वोल्ट और आर कितना निकला हमारे पास 12, कितना आ गया भी जी हमारे पास 1 एम्पियर करंट. कितना करंट आ गया 1 एम्पियर करंट. अब आपसे अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन के एंड एल, कि के एंड एल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स के एंड एल. तो देखो यहां पर हमारे को आर कितना दे रखा है बच्चे 4 ओम, आई कितना निकला है हमारा 1 एम्पियर, क्योंकि ये पूरा सीरीज में चल रहा है यहां तक, तो यहां भी आई कितना जाएगा 1 एम्पियर ही जाएगा इसके जितना हमने सॉल्व किया है. ठीक है जी, तो V की वैल्यू क्या होती है आई आर, तो 1 इंटू 4 कितना आ गया 4 V कितना आ गया हमारे पास 4 वोल्ट. और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अब कि L और M के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L एंड M, ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी दोनों में सेम, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आया था इन दोनों का 8 ओम. तो V इज इक्वल टू में आई आर, आई सेम ही रहेगा 1 इंटू 8, कितना आ गया बच्चे 8 वोल्ट. देखो वही दोनों का सम निकालोगे तो कितना आ गया 12 वोल्ट. जो सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल. इज इट क्लियर? तो ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हैं जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों के फॉर्मूले यूज किए. अब जितने भी आपकी बुक्स में सोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं, पहले आप सोल्ड क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए अनसोल्ड क्वेश्चन. ठीक है जी. और एक बात और है बेटा, जो बच्चा वीडियोस नहीं देख रहा है, जो भी हम सेंड कर रहे हैं आपको एज असाइनमेंट और वीडियो, जो बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है तो उस बच्चे के लिए जो असाइनमेंट करने हैं वो यूजलेस है. देयर इज नो यूज ऑफ असाइनमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स वाज नॉट वाचिंग द वीडियो, क्योंकि हम समझा किस में रहे हैं आपको वीडियोस में. असाइनमेंट तो एक तरह से आप कॉपी कर रहे हैं जो बच्चा नहीं समझ रहा है वीडियो. कुछ बच्चों के पास फोन किया, क्लास ले रहे हैं वो लाइव क्लास, उनसे पूछा क्या वीडियोस बेटा आप देख रहे हैं, नहीं हम सर देख ही नहीं रहे वीडियो. क्या लॉजिक है बेटा उसका, कोई लॉजिक नहीं है. आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम डेफिनेटली होंगे और बोर्ड के एग्जाम में आप लोग कॉपी नहीं करोगे, वहां आप लोगों को देखा जाएगा कि आपने पूरे साल में सीखा क्या है, या हम जो वीडियो बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो. आप सोचिए इस चीज को, क्या हम टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, या जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है. अब तो समझ जाओ बच्चे, अब तो सितंबर आ गया. कई बच्चों का ये था कि जुलाई में स्कूल खुलेंगे तो जुलाई में स्कूल में जाके पढ़ लेंगे, अब सितंबर में भी उम्मीद नहीं है स्कूल खुलने की. अब कहाँ जाओगे बताओ मेरे को, कब स्कूल कब खुलेगा और कब तुम स्कूल में आके पढ़ाई शुरू करोगे और कैसे स्टार्टिंग से शुरू करोगे. जो सिलेबस पूरे साल में हो रहा है क्या वो सिलेबस दो महीने में कंप्लीट कर सकते हो आप? नो. जैसा हम वीडियोस में पढ़ा रहे हैं आपको पता है, आप पहले भी हमसे पढ़े हैं, वही हम क्लास में पढ़ाते हैं. तो क्यों ना आप वीडियोस जो लेक्चर आपको मिल रहे उसको एज अ क्लासरूम आप अटेंड करें, जिससे आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है कि हाँ हम क्लास में पढ़ रहे हैं सिस्टम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक विश्वास के साथ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आएगा. नहीं आएगा तो हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, आपको समझाने के लिए तो बैठे हैं. लाइव क्लास का मतलब क्या होता है, लाइव क्लास में कोई न्यू लेक्चर नहीं होता बेटा, आपको पता है इस चीज का. लाइव क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाता है. प्रॉब्लम्स किसकी होगी, जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसकी प्रॉब्लम कहां से होगी. जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज बेटा रेगुलरली वीडियो देखो और जो असाइनमेंट मिल रहा है उनको रेगुलर कीजिए. जो भी आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलते हैं उनका आप सोल्व कीजिए, जो नहीं आता है वो क्लास में यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. क्लियर? क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है बेटा, ये आपकी सेवंथ एट्थ नाइन्थ क्लास नहीं है,
दिस इज अ सीबीएसई बोर्ड क्लास. ठीक है. सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ.